सो हे गाइज, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे। तो दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता होगा, जब हम कोई भी वीडियो यहाँ पे यूट्यूब पे अपलोड करते हैं, अपलोड होने के बाद दोस्तों जब यूट्यूब उस वीडियो को दूसरों लोगों के पास सजेस्ट करता है, यानी दूसरों के ब्राउज फीचर में भेजता है, जब वो दोस्तों आपकी वीडियो को वॉच करते हैं, तो धीरे धीरे आपकी वीडियोज़ पे व्यूज़ आना स्टार्ट हो जाता है। और जैसे और लोगों के पास आपकी वीडियो यूट्यूब और सजेस्ट करता है, और ज़्यादा आपकी वीडियोज़ पे व्यूज़ आना स्टार्ट हो जाता है, फिर दोस्तों आपका धीरे धीरे वीडियो यहाँ पे वायरल होने लग जाता है, और एक समय में आपका वीडियो यहाँ पे वायरल हो जाता है। बट दोस्तों, कुछ टाइम बाद यहां पे जब आपकी वीडियो वायरल होती है, वायरल होते होते धीरे धीरे दोस्तों आपकी वीडियो पे व्यूज भी आना कम होना स्टार्ट हो जाता है। यानी एक ऐसा समय आएगा आपकी वीडियो एकदम टॉप पे चली आएगी, यानी बहुत ज्यादा ही व्यूज आ जाएगा। फिर धीरे धीरे दोस्तों आपकी वीडियो के ऊपर यहां पे व्यूज आना कम हो जाएगा, और धीरे धीरे शायद आपकी वीडियो पे ऐसा भी होता होगा दोस्तों कि यहां पे आपका वीडियो का जो व्यूज है वो यहां पे फ्रीज हो जाता होगा। यानी पहले तो स्टार्टिंग में आपका वीडियो का जो व्यूज है वो धीरे धीरे स्पीड में बढ़ता है, फिर दोस्तों धीरे धीरे स्लो पड़ जाता है, और आपका एक टाइम पे ऐसा आता है कि जो आपकी वीडियो पे व्यूज है वो यहाँ पे फ्रीज हो जाता है, यानी वीडियो का जो व्यूज है वो स्टक हो जाता है, और इसके आगे कोई भी दोस्तों आपकी वीडियो के ऊपर कभी भी व्यूज नहीं आती है, एक व्यूज भी उस वीडियो पे नहीं बढ़ता। हमेशा हमेशा के लिए आपका जो वीडियो उस वीडियो का जो व्यू रहता है वो यहाँ पे फ्रीज हो जाता है, और पूरा का पूरा वीडियो आपका डेड हो जाता है। फिर दोस्तों उस वीडियो का यहाँ पे यूट्यूब और किसी के पास नहीं भेजता। आपने भी दोस्तों ऐसा उस वीडियो का एनालिटिक्स चेक करके देखा होगा। तो ऐसा दोस्तों हर किसी के साथ होता है, और क्यों होता है आज की वीडियो में हम इसी का रीजन जानने वाले हैं। और दोस्तों आपको ऐसा क्या करना है जिसके वजह से आगे चल के आपका कोई भी वीडियो का जो व्यूज है वो कभी भी स्टक ना हो, फ्रीज ना हो, हमेशा आपकी वीडियो के ऊपर उस वीडियो के ऊपर व्यूज आते रहे, ऐसा क्या करना है। तो आज की वीडियो में दोस्तों पर्टिकुलरली मैं इसी के बारे में बात करने वाला हूं। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो उससे पहले दोस्तों आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो यहां नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन में क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर लेना ऐसे यूट्यूब क्रिएटर मोर कॉन्टेंट देखने के लिए। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम वीडियो कर लेते हैं स्टार्ट। तो दोस्तों, जैसे ही हम कोई भी वीडियो यहाँ पे YouTube के ऊपर अपलोड करते हैं, अपलोड होने के बाद कुछ घंटों के बाद, कुछ आवर्स के बाद यहाँ पे आपकी वीडियोस के ऊपर व्यूज आना स्टार्ट हो जाता है। YouTube बहुत लोगों के पास आपकी जो वीडियो है वो लार्ज ऑडियंस तक भेजने की कोशिश करता है, यानी आपको जो वीडियो का व्यू है पर्टिकुलरली आपका ब्राउज सेक्शन से आ रहा है। वहाँ पे अगर आप वीडियो के एनालिटिक्स भी आप अगर चेक करोगे तो वहाँ पे लिखेगा साफ साफ ब्राउज फीचर से आपका जो वीडियो के ऊपर व्यूज आ रहा है। और दोस्तों ब्राउज फीचर ही एक ऐसा तरीका है जहाँ से आपका वीडियो वायरल हो सकता है बहुत जल्दी, बहुत कम समय में आपका वीडियो वायरल होता है। तब दोस्तों क्या होता है, आपका जो वीडियो YouTube लोगों के पास सजेस्ट करता है, आपकी वीडियोस बहुत सारे ऑडियंस के पास जाती है, उसमें से कई ऑडियंस तो आपकी वीडियो पूरी यहाँ पे वॉच कर लेते हैं, तो उससे क्या होता है जो आपका ऑडियंस रिटेंशन है वो भी बढ़ना स्टार्ट हो जाता है वीडियो के ऊपर। और दोस्तों जो आपका CTR है, क्लिक थ्रू रेट, जो आपने थंबनेल बना के रखा है उसके वजह से ही दोस्तों आपकी वीडियो के ऊपर लोग क्लिक करते हैं। तो उससे क्या होगा, जब लोग क्लिक करेंगे आपकी वीडियो के ऊपर तब दोस्तों आपका जो CTR है, क्लिक थ्रू रेट, वो भी आपका यहाँ पे इंक्रीज होता है, जो कि परसेंटेज में दिखाता है। फिर दोस्तों आपका उसके वजह से जब लोग आपकी वीडियोस को वॉच करते, कोई लोग यहाँ पे पूरी वीडियोस वॉच करते, कोई हाफ मिनट से भी, मतलब जितने का आपने वीडियो बनाया उससे कई ज्यादा आपका वीडियो देखते हैं, तो दोस्तों जो आपका ऑडियंस रिटेंशन है उस वीडियो का वो भी मेंटेन रहता है, वो भी बढ़ते ही जाता है। तो यूट्यूब को क्या लगता है कि आपकी वीडियो में ऐसा कुछ तो कमाल है जिसकी मदद से आपकी वीडियो पर इतना अच्छा परफॉर्मेंस आ रहा है, लोग आपकी वीडियो को पसंद कर रहे हैं। तो यूट्यूब क्या करता है, धीरे धीरे आपकी उस वीडियो को और लोगों के पास भेजता है, यानी और लार्ज ऑडियंस के पास भेजता है कि आपकी वीडियोस देखे और आपकी वीडियोस पे परफॉर्मेंस है। क्योंकि दोस्तों इससे कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली यूट्यूब को भी फायदा है, क्योंकि अगर आपकी वीडियो कोई इतना अच्छे से देख रहा है, इतना अच्छा आपकी वीडियो पे ऑडियंस रिटेंशन है, तो उतना समय वो यहाँ पे यूट्यूब पे रुक रहा है और यूट्यूब पे वो वीडियोस देख रहा है। तो इससे दोस्तों यूट्यूब का ये फायदा है कि यूट्यूब पे भी यहाँ पे कोई ना कोई रुक के उसकी वीडियोस देख रहा है, तो यूट्यूब पे जो स्टे है वो यहाँ पे बढ़ जाता है। इसके लिए यूट्यूब आपकी वीडियो और लार्ज ऑडियंस तक भेजने की कोशिश करता है कि और लोग आपकी वीडियोस देखें, जिसकी मदद से वो अपना टाइम स्पेंड कर पाए आपकी वीडियो के साथ यूट्यूब के ऊपर। तो ये यूट्यूब देखते हुए आपकी वीडियोस लार्ज ऑडियंस के पास भेजता है। बट दोस्तों क्या होता है, जैसे कि आपके वीडियो पे स्टार्टिंग में ऑडियंस रिटेंशन ठीक था, CTR भी एकदम अच्छा था, बट दोस्तों जब और लार्ज ऑडियंस के पास जब आपकी वीडियोस जाती है तो दोस्तों आपका CTR तो यहाँ पे अच्छा होता है, बट कई ऐसे ऑडियंस भी आएंगे दोस्तों जिसके पास YouTube ने आपकी वीडियो भेजी होगी, वो आपकी वीडियो पूरा फुल वॉच करेंगे ही नहीं, यानी कुछ मिनट ही देखेंगे। कई लोग ऐसे होंगे जो आपकी कुछ वीडियो कुछ मिनट तक ही देखेंगे, तो ऐसे में क्या होगा दोस्तों, जो आपका CTR जो था वो तो मेंटेन रहेगा, बट दोस्तों जो आपका ऑडियंस रिटेंशन था वो यहाँ पे धीरे धीरे कम होना स्टार्ट हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों ऐसे कई ऑडियंस होंगे जिन्होंने आपकी वीडियोस पूरी वॉच की ही नहीं होगी, क्योंकि दोस्तों हर कोई ऐसा तो ऑडियंस होगा नहीं जो आपकी हर वीडियोस पूरी देखे, किसी को दोस्तों कुछ पार्ट पसंद आएगा, किसी को कोई ऐसा स्किप स्किप कर करके वीडियोस देखेगा। तो ऐसे जब कई लोग आपकी वीडियोस देखते तो दोस्तों आपका जो ऑडियंस रिटेंशन जो
मेंटेन रहता है, जो बढ़ता रहता है वो धीरे धीरे दोस्तों आप कम होना स्टार्ट हो जाता है। और दोस्तों जब आपका ऑडियंस रिटेंशन यहाँ पर 1.5 मिनट या फिर 2 मिनट से भी कम होना स्टार्ट हो जाता है और लोगों के पास जब यूट्यूब और वीडियो आपकी वीडियो को पहुंचाता है और फिर दोस्तों वापस यूट्यूब देखता है आपकी वीडियोस पे ऑडियंस रिटेंशन क्या है, और दोस्तों अगर उस समय आपकी ऑडियंस रिटेंशन आगे चल के और कम होना स्टार्ट हो जाती है 1.5 मिनट यानी 130 सेकंड से भी अगर आपका यहाँ पे ऑडियंस रिटेंशन कम होना स्टार्ट हो जाता है, तब यूट्यूब क्या करेगा, धीरे धीरे आपकी जो वीडियोस का जो ग्रोथ है, जो लोगों के पास भेज रहा था, वो धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप अब उस चीज को यहाँ पे कम करते चले जाएगा। यानी अब जो यहाँ पे समझ लो, जैसे कि एक टाइम पे यूट्यूब ने आपकी वीडियोस को 1000 लोगों के पास भेजा था, तो अब वो 500 लोगों के पास ही भेजेगा अगर आपका ऑडियंस रिटेंशन कम होता है। और दोस्तों अगर इस पे भी यहाँ पे परफॉर्मेंस अच्छा नहीं मिलता आगे चल के यूट्यूब को, तो और फिर 100 लोगों के पास ही भेजेगा, फिर 50 लोगों के पास, ऐसे ऐसे यहाँ पे ऑडियंस कम होते जाएगी। और एक समय ऐसा आएगा कि अगर आपकी वीडियोस पे ऑडियंस रिटेंशन बहुत खराब हो जाएगा, 1 मिनट का भी वॉचिंग नहीं रहेगा आपकी वीडियोस का, तो दोस्तों अब वो वीडियो यूट्यूब यहाँ पे फ्रीज कर देगा, आगे नहीं भेजेगा, क्योंकि दोस्तों उस वीडियो से यूट्यूब को फायदा नहीं मिलेगा। क्योंकि अगर आपकी वीडियोस पे ऑडियंस रिटेंशन अच्छा नहीं रहेगा तो यूट्यूब क्या समझेगा कि आपकी वीडियोस को कोई देख नहीं रहा है, कोई उस वीडियो के वजह से यहाँ पे यूट्यूब के ऊपर नहीं रुक रहा है, तो उसके वजह से आपकी वीडियोस को फ्रीज कर देगा, स्टक कर देगा, पूरा वीडियो का वीडियो आपका यहाँ पे डेड हो जाएगा और कोई भी आगे चल के उस पर कोई भी व्यूज नहीं आएगा। इसके थ्रू दोस्तों मैं आपको यहाँ पे 2 एग्जांपल दिखाने वाला जो मेरे साथ भी ऐसा सेम टू सेम हुआ, मेरी वीडियोस भी यहाँ पे स्टक हो चुकी, फ्रीज पूरा डेड हो चुका है। तो चलिए दोस्तों मैं आपको सीधा यहाँ पे वीडियोस दिखा देता हूँ। अपना YT स्टूडियो देख सकते हो, मैंने यहाँ पे ओपन कर लिया है। सबसे पहला दोस्तों मैं आपको यहाँ पे वीडियो दिखा देता हूँ जिसपे आप देख सकते हो 1.1K व्यूज आया है, और ये दोस्तों कितने कम समय में आया आप यहाँ पे देख सकते हो। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, इसका जो इंप्रेशन है CTR क्लिक थ्रू रेट इसका 8.9% है, यानी कितना अच्छा यहाँ पे मेंटेन है आप देख सकते हो। और जब मैं एनालिटिक्स खोल के आपको दिखाता हूँ चार्ट जो व्यूज का है, तो आप देख सकते हो अचानक से यहाँ से सीधा ऊपर गया है, फिर दोस्तों पूरा एक स्ट्रेट लाइन आ चुका है, यानी वहां से कोई व्यूज ही नहीं आया। 1.1K के बाद से पूरा फ्रीज हो चुका है ये वीडियो, अभी तक इस पे एक व्यू भी नहीं आया है। और दोस्तों इस पे अगर मैं आपको ऑडियंस रिटेंशन की बात करूं, तो आप नीचे देख सकते हो चार्ट, धीरे धीरे ऑडियंस रिटेंशन यहाँ पे कम होता चला गया है। और यहाँ पे आप इस वीडियो का ऑडियंस रिटेंशन भी देख सकते हो 1 मिनट 29 सेकंड का, यानी मैंने जो कहा था 1 मिनट 50 सेकंड या फिर 2 मिनट्स अगर आपका कम होते हो तो धीरे धीरे आ जाएगा, तो यूट्यूब आपकी वीडियो फ्रीज कर देगा, ऐसा आप इस वीडियो का भी देख सकते हो, पूरा का पूरा डाउन हो चुका ऑडियंस रिटेंशन। और दोस्तों मैं आपको बता दूं इस वीडियो के ऊपर व्यूज कहां से आया था आप वो भी देख सकते हो दोस्तों रीच वाले में, कि यहां पे दोस्तों इस वीडियो का पूरा व्यूज दोस्तों ब्राउज फीचर से आया, यानी यूट्यूब ने सजेस्ट किया था लोगों को, वहां से वीडियो पे व्यूज आया। और दोस्तों सेकंड वीडियो की बात करूं तो आप इस पे भी देख सकते हो 401 व्यूज आया है, और वो भी दोस्तों बहुत ही कम समय में ये व्यूज आया था, और 7.2% का यहाँ पे CTR है। और दोस्तों ये वीडियो भी पूरा का पूरा फ्रीज हो चुका है, डेड हो चुका है, अब दोस्तों इस पे कोई भी व्यूज नहीं आता है। आप इसका भी ऑडियंस रिटेंशन देख सकते हो चार्ट के अंदर दोस्तों 1 मिनट 07 यानी 1 मिनट 7 सेकंड का है, बहुत ज्यादा कम हो चुका है इसका ऑडियंस रिटेंशन, इसलिए यूट्यूब ने इस वीडियो को आगे भेजना ही बंद कर दिया। और दोस्तों इस वीडियो का भी आप रीच देख सकते हो पूरा का पूरा ब्राउज फीचर से ही सबसे ज्यादा आया है, 77.6% का यहाँ पे जो ब्राउज फीचर से ही इसका वॉचिंग आया है। तो दोस्तों यूट्यूब ने कहीं ना कहीं इस वीडियो को आगे भेजा था, इस पर अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिला, इसके वजह से इस वीडियो का यूट्यूब ने फ्रीज कर दिया। अब दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा क्यों हमारी वीडियोस यहाँ पे फ्रीज होती है। अब मैं दोस्तों आपको बताता हूँ कि ऐसा आपको क्या करना है जिससे हमारी वीडियोस कभी डेड ही ना हो, कभी फ्रीज ना हो, हमेशा उस पर कुछ ना कुछ भले थोड़ा बहुत ही व्यूज आए बट आते रहे। तो उसके लिए दोस्तों आपको क्या करना है, आपको ऐसा कुछ कॉन्टेंट बनाना है, ऐसा कुछ आपको वीडियो बनाना है जिसकी मदद से आपकी वीडियोस देखने वाले जो भी लोग देख रहे हैं वो आपकी वीडियो को रुके रहे, यानी आपके ऑडियंस रिटेंशन अच्छे से अच्छा मेंटेन करना पड़ेगा। जब दोस्तों आपका ऑडियंस रिटेंशन यहाँ पे 2 मिनट से ज्यादा ऊपर कर रहेगा तभी दोस्तों आपका वीडियो और लोगों के पास यूट्यूब भेज पाएगा। तो इसलिए ऐसा कोशिश करो, ऐसा कुछ कंटेंट बनाओ जिससे कि आपका जो वीडियो का ऑडियंस रिटेंशन है वो मेंटेन रहे, वो ऊपर से ऊपर बढ़ते ही रहे, कम ना हो, ऐसा कुछ आप वीडियो कंटेंट बनाओ कि लोगों को पसंद आए आपका वीडियो। तो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो देख के समझ में आ गया होगा कि कैसे हमारा वीडियो फ्रीज होता है और क्यों होता है और इसका क्या रीजन है और क्या करना चाहिए हमें जिससे आगे चल के हमारा जो वीडियो है वो कभी फ्रीज ना हो। आई होप आपको पूरा वीडियो समझ में आ गया होगा, समझ में आते वीडियो को लाइक करना, और ऐसे ही कंटेंट देखने के लिए आप हमारे चैनल एवी टेक्निकल टिप्स को भी सब्सक्राइब कर सकते हो नीचे दिए सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके, और साथ में बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर देना, क्योंकि दोस्तों मैं इस चैनल पर हमेशा यूट्यूब रिलेटेड कंटेंट नया नया लेके आते रहता हूं। तो बस फ्रेंड आज के लिए वीडियो में इतना ही, जल्दी मिलता है एक नए वीडियो के साथ।